Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. कहाँ रह गई थी? जरूरी काम से गई थी, महल के बाहर श्री हरि के मंदिर जा रही हूँ, इसलिए उनके लिए कुछ लाने गई थी। तो फिर दिखाओ क्या लाई हो अपने श्री हरि के लिए। ये देखो माँ, ये फूल। ठीक है, अब चले। श्री हरि। हाँ है ना बिटिया, प्रभु श्री राम। पर माँ, जो महल के मंदिर में श्री हरि की मूर्ति है वो तो चक्रधारी है, पर इनके हाथों में तो धनुष है। राजकुमारी सा, श्री हरि के एक रूप थोड़ी ना है, उनके तो अनेकों रूप हैं, और इस रूप में है ये प्रभु श्री राम। माँ, ये मेरा के श्री हरि नहीं है, हरि तो इस रूप में इन सभी के हैं, पर मेरे कहाँ है? ये लीजिए प्रशांत। बचपन से ही मीरा जाने अनजाने अपने गिरधर गोपाल की खोज में निकल पड़ी थी। उसे जो भी उपहार मिलता था वो उसे औरों में बांट देती थी, क्योंकि उसे तो बस अपने गिरधर गोपाल चाहिए थे। भेंट में मिला हुआ दुपट्टा तुमने उसे क्यों दे दिया पुत्री? ये उसके लिए था माँ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो थारे लिए नहीं है? बहुत आसान है माँ, मैंने उसे पकड़ा, देखा, कुछ लगा नहीं। कुछ भी नहीं? चोखा तो था वो दुपट्टा, पर ना अच्छा लगा ना बुरा, तो मैं समझ गई मेरा ना था। कभी कभी अपनी उम्र से अधिक बड़ी लगती हो जब ऐसी बातें करती हो। अच्छा सुनो बिटिया, आज तुम्हारे ताऊ सा ताई सा आने वाले हैं, उनके सामने अधिक बात नहीं करना, उनको ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल नहीं बातें, ठीक है बिटिया रानी? तो मैं कहाँ बात सुनी हूँ, मैं तो बस वो पूछती हूँ जो मुझे समझ नहीं आता, बस वही जानने की कोशिश करती हूँ। अब जो भी कहना मर्यादा में रह के कहना, समझी? ठीक है बिटिया। प्रणाम भाई सा। प्रणाम भाभी सा। प्रणाम। मीरा, ताऊसा ताईसा को प्रणाम करो। प्रणाम। समझी, मंदिर से आ रही हो तुम, पर पैदल क्यों? पालकी के कहार क्या सोने चले गए थे? नहीं भाभी सा, मीरा की इच्छा थी चलकर जाने की। हमारी बिटिया मीरा की इच्छा पूर्ति के लिए हम है ना उसके ताऊसा राव वीरम देव। मीरा बिटिया, तुम्हारे लिए गुड्डा गुड्डी की जोड़ी। आओ। धन्यवाद ताऊसा। मीरा, चोखा नहीं है क्या ये गुड्डा गुड़िया का जोड़ा? नहीं ताईसा, जोड़ा तो बहुत अच्छा है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारे ताऊ ऐसा अच्छा जोड़ीदार चुन कर लाएंगे, तुम्हारा जोड़ा भी सुंदर बनवाएंगे। इससे पहले विश्राम में बाधा डाल दी। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री, जो होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। अवश्य इसमें कन्हैया की कोई इच्छा सम्मिलित होगी। कन्हैया? हाँ वही, जिनके दर्शन की लालसा में तुम यहां तक खींची चली आई।
कन्हैया? हाँ हाँ, यही है कन्हैया, श्री हरि के एक रूप। लोग इन्हें कान्हा भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, कोई इन्हें मुरलीधर कहता है तो कोई माधव। तो अब मेरे गिरधर गोपाल बन जाइए ना। नहीं पुत्री, ये तो प्रभु की मूरत है, ये मेरे प्रभु हैं, इन्हें अपने स्थान पर रख दो। नहीं नहीं, ये तो मेरे गिरधर गोपाल है, ये मेरे साथ रहेंगे। मीरा, बिना अनुमति के इन्हें छूना उचित नहीं है, इन्हें इनके स्थान पर रख दो। पर ये तो मुझे अपने लग रहे हैं, फिर मैं इन्हें क्यों छू नहीं सकती? नहीं रखूंगी, ये मेरे गिरधर गोपाल है। मीरा, भगवान से तो हम सभी का नाता है, वो तो सभी को अपने लगते हैं। हम सभी में तो उन्हीं का अंश है पुत्री, इन्हें अपने स्थान पर रख दो, कहीं तुम्हारे नन्हे हाथों से फिसल कर मेरे प्रभु गिर न जाए। मैं इन्हें ध्यान से पकड़ कर रखूंगी तो कैसे गिरेंगे ये? मुझे इन्हें वापस रखने के लिए मत बोलिए ना माँ, इन्हें मुझे अपने कक्ष में ले जाने दीजिए, मैं अपने गिरधर गोपाल के साथ समय बिताना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि मैं इन्हीं की इच्छा से यहाँ आई हूँ, तो अभी ये मेरे गिरधर गोपाल है या नहीं, मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मुझे आश्चर्य हो रहा है, जिसने आज तक कभी किसी का उपहार स्वीकार न किया हो, कभी किसी को अपना न माना हो, उसे भाई भी है तो प्रभु, मेरी आपसे विनती है, मीरा को कुछ समय के लिए ये प्रभु मूरत को अपने पास रखने की अनुमति देने की कृपा कीजिए। किंतु ये संध्या भोग का समय है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने हाथों से अपने प्रभु को भोग खिलाऊंगी और गर्म भोजन नहीं खिलाऊंगी, जैसे माँ फूक फूक कर शीतल करके खिलाती है, वैसे ही मैं भी खिलाऊंगी। मेरे प्रभु मेरी श्वास हैं, जैसे मैं अपने श्वास से दूर नहीं रह सकता, वैसे ही मैं अपने प्रभु से भी दूर नहीं रह सकता। किंतु इस बालिका के प्रभु प्रेम को देखकर मैं इसे मना नहीं कर सकता, ये कुछ समय के लिए प्रभु को अपने पास रख सकती है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.